हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है कैलकुलस। कैलकुलस में हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि अवकलन हम आपको पढ़ा रहे हैं और अवकलन के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिए और अब हम चैन रूल से उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं चैन रूल के कुछ स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ और आप ध्यान रखना कि चैन रूल का में जिसका कमांड है उसी का डिफरेंशिएशन में कमांड है, ऐसा आप मान के चलो। इसलिए आज स्पेशली मैं दो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, एक तो चैन रूल पर कुछ अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन, जो कि डिफरेंशिएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये दो टॉपिक अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, किसके? चैन रूल के कुछ अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं स्पेशल सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ ताकि देखो मेरा पर्पस क्या होता है कि मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चन कराऊँ लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करूँ। बाकी नंबर आप क्वेश्चन बढ़ा के प्रैक्टिस करना आपका काम है। आप जितना ज़्यादा मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे आपका कमांड उतना ही अच्छा होगा। तो मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ वो स्पेशल कलेक्शन है। सबसे पहले हम देखते हैं वाई इक्वल टू बी कास लाग, वाई इक्वल टू बी कास लॉग एक्स अपॉन एन का होल पावर एन, लॉग एक्स अपॉन एन का होल पावर एन। अब इसका हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चैन रूल का एक बेस्ट एग्जांपल है, तीन बार हमको यहाँ पर चैन रूल लगाना है और हम यहाँ पर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अवकलन करते हैं इसका। अपन लिख दिया हमने नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर, पर हम पाते हैं क्या पाते हैं, देखो डिफ्रेंशिएट करो इसका, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बी कांस्टेंट है उसको शुरू से बाहर लिख दो, तो बी बाहर लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स अपॉन एन का होल पावर एन, ये हो जाएगा। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो मैंने आपको सिखाया था कॉन्सेप्ट क्लियर करते समय कि d बाई डी एक्स के बाद जो पहला फंक्शन होगा यहाँ पर cos एक फंक्शन है, इसको छोड़ के बाकी को आप x सपोज कर लेना। तो ये जो बॉक्स में मैंने यहाँ पर रखा है रेड बॉक्स में जो आप देख रहे हो, अब सपोज करो कि वह x है और आपको मालूम है कि cos x का अवकलन होगा माइनस साइन x, क्लियर। तो चलिए हम इसको लिख लें आगे, दैट इक्वल माइनस बाहर लिख लिया, बी कांस्टेंट है और कास का हो जाएगा साइन, माइनस साइन होता है ना, कास का क्या बोल दिया मैं, साइन का डिफरेंशिएशन, सॉरी कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस बी साइन और फंक्शन तो हमारा वही है, तो हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एन का होल पावर एन इंटू ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है वो चैन रूल से दोबारा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा लॉग x अपॉन n का होल पावर n, क्लियर यहाँ तक, दैट इक्वल माइनस b साइन लॉग x अपॉन n का होल पावर n इंटू, अब आगे डिफ्रेंशिएट कैसे होगा देखिए, अब आगे d बाई डी एक्स के सामने क्या है लॉग, तो लॉग को छोड़ के ये सब x होगा। बस ऐसे आपको स्टेप बाई स्टेप एक एक फंक्शन को पहचानते जानना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, ये लॉग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स अपॉन एन टू द पावर एन इंटू इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एन टू द पावर एन, जो बॉक्स में है वो दोबारा डिफरेंशिएट होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा फाइनल इक्वल टू माइनस बी साइन लॉग एक्स अपॉन एन टू द पावर एन इंटू, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो हो जाएगा n टू द पावर n और अपान में रहेगा ये x टू द पावर n और इसका डिफरेंशिएशन, ये n कांस्टेंट है तो 1 अपान n टू द पावर n और इसका डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, इस तरह से होगा। अब यहाँ पर हम इसको सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो n टू द पावर n, n टू द पावर n से कट जाएगा ये x टू द पावर n, यहाँ पर जाके इसके संघात के साथ माइनस हो जाएगा, तो मैं कांस्टेंट को बाहर लिख दूं इस तरह से तो हो जाएगा दैट इक्वल माइनस बी इंटू एन और ये हो जाएगा साइन
लॉग एक्स अपॉन एन का होल पावर एन इंटू, यहाँ पर देखो एक्स का घात माइनस वन होगा, एक्स टू दी पावर माइनस वन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं, इसको सामने लिख देता हूँ, माइनस बी इंटू एन अपॉन एक्स इंटू साइन लॉग एक्स अपॉन एन टू दी पावर एन, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से देखो ये डिफ्रेंशिएट होगा। ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पर तीन फंक्शन है, कॉस फंक्शन, लॉग फंक्शन, फिर एक्स टू दी पावर एन, तो तीन बार, एक बार, दो बार और यहाँ पर ये तीसरे बार, तीन बार यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो रहा है। एक बार ये वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट हुआ, फिर ओपन होके ये डिफ्रेंशिएट हुआ, फिर ओपन होके, ये चैन रूल का कॉन्सेप्ट है। और चैन रूल के लिए आपने अपने दिमाग में बराबर बिठा लिया, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, तो कैलकुलस डिफ्रेंशिएशन बहुत आसान है। देखो डिफ्रेंशिएशन की पढ़ाई ही चैन है कंप्लीट। आपको यदि अच्छे से अवकलन आएगा तो अच्छे से समाकलन आएगा, तो अच्छे से फिर उसका एप्लीकेशन आएगा। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको अपने को समझना है, क्लियर। चाहें आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद में, जहाँ पर हम डिवीजन का फार्मूला, भाग का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे और भाग के फार्मूला के साथ साथ, भाग के फार्मूला के साथ साथ हम वहाँ पर चैन रूल को भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, y इक्वल e टू द पावर साइन x, e टू द पावर साइन x अपॉन साइन x टू द पावर n, साइन x टू द पावर n। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताने के लिए इसलिए सेलेक्ट किया है कि यहाँ पर मैं दो चीज़ आपको समझा सकूँगा। एक तो यहाँ पर देखो ये अंश है और ये हर है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, यहाँ पर ये u है और यहाँ पर सपोज क्या है, अपान भी है। तो सबसे पहले से फार्मूला क्या लगेगा, भाग वाला फार्मूला आएगा, डिवीजन वाला, u अपान भी का फार्मूला हम सबसे पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले u अपान भी का फार्मूला लगाते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन कर दें अपन, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, इसका जब डिफ्रेंशिएट होगा तो एक बार लिख दिया d बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स टू दी पावर n। अब u अपॉन v से अपन अवकलन करें तो फार्मूला में क्या होता है, v मतलब क्या है ये, तो v है साइन एक्स टू दी पावर n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u, तो ये है e टू दी पावर साइन x माइनस, अब हम लिखेंगे e टू दी पावर साइन x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू दी पावर एन, और अपान में इसका स्क्वायर मतलब साइन एक्स टू दी पावर एन का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा दैट इक्वल। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ पर चैन रूल से अब डिफ्रेंशिएट होगा। देखिए यहाँ पर इसको आप एक्स सपोज करो और यहाँ पर आप इसको एक्स सपोज करोगे, तो दोनों जगह चैन रूल अप्लाई होगा। और किस तरह से डिफ्रेंशिएट होगा, ये हो जाएगा साइन एक्स टू दी पावर एन इंटू, इसका हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का दोबारा होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये हमने चैन रूल लगाया, माइनस ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू, ये साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा, तो कास एक्स टू दी पावर एन, और इसका दोबारा होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन, और अपान में हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन। अब आगे जहाँ जहाँ पर d बाई डी एक्स उसका अवकलन करते हैं, तो देयर फॉर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आप फंक्शन को देखो, साइन एक्स टू दी पावर एन e टू दी पावर साइन एक्स, ये लिख लेते हैं अपन, साइन एक्स टू दी पावर एन इंटू ई टू दी पावर साइन एक्स इंटू, अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, तो ये हमने लिख दिया कॉस एक्स, और माइनस e टू दी पावर साइन एक्स कास एक्स टू दी पावर एन, e टू दी पावर साइन एक्स इंटू कास एक्स टू दी पावर एन, और इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा n इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और सबके अपान में साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन। ये डिफ्रेंशिएट अब कंप्लीट हो गया, कहीं पर d बाई डी एक्स नहीं बचा,
पूरे फंक्शन से जब डी बाई डी एक्स खत्म हो जाता है तो फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, तो e टू दी पावर साइन एक्स दोनों में कॉमन है तो उसको उभयनिष्ठ कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा साइन एक्स टू दी पावर एन इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स टू दी पावर एन और इंटू एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन और सबके अपान में हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये डिफ्रेंशिएट हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, यहाँ पर यू अपान वी का हमने यूज़ किया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देखिए वैसे स्क्रीनशॉट आप लेके उसको एक बार देखिए, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते तैयार हो जाना चाहिए। मैथमेटिक्स में जैसे ही क्वेश्चन अपन बताते हैं उसके बाद आपको प्रिपेयर होना चाहिए, एक्चुअल में मेथड इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन है, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। कुछ स्टूडेंट जैसे ही मैं डिफ्रेंशिएशन का एक दो वीडियो डाला उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछे थे सर इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आज मैं उसको बता रहा हूँ। बहुत आसान है लेकिन स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज बहुत रहते हैं। वो एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, ये है वाई इक्वल टू साइन एक्स डिग्री। अब यहाँ पर नयापन क्या है क्वेश्चन में, साइन के साथ में जो एक्स होता है, यदि साइन एक्स होता तो आप इसको कॉस एक्स अवकलन आपको पता है, लेकिन यहाँ पर एक्स डिग्री है और ध्यान रखना यहाँ पर एक्स डिग्री के रूप में लिखेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। फॉर एग्जांपल सपोज एक्स को मैंने 30 लिख दिया तो साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2 एक बटे दो, और एक बटे दो जब डिफ्रेंशिएट होगा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो ऐसा इसका अवकलन पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पर हम उसको डिग्री में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, उसको हम रेडियन में चेंज करके, तो इसका एक स्पेशल मेथड है, ये आप इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत परेशान करता है कई लोगों को कैसे बनेगा। ऐसे ही साइन एक्स डिग्री हो, कॉस हो जाएगा, टेन हो जाएगा, कुछ भी हो एक क्वेश्चन बताऊंगा वैसा सारा क्वेश्चन बनेंगे। तो चूंकि एक्स डिग्री इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको एक्स इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ये रेडियन का साइन है नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब ये डिग्री को हम रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 पाई बटे 180 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, अब ये रेडियन में बन गया। तो देयरफॉर अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन, यहाँ पर हम एक्स इसके जगह रखेंगे, एक्स डिग्री की जगह में रखेंगे पाई एक्स, एक्स में आगे लिख दिया पाई एक्स अपान 180 डिग्री, दैट इम्प्लाइज अब इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, सीधा दो लाइन का है कुछ नहीं है, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ साइन पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री, दैट इक्वल अब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये एक्स को छोड़ के जब इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, तो ये हो गया कास पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री। साइन का हमने कास लिख लिया, ये साइन का हमने यहाँ पर कास लिख लिया, साइन का डिफ्रेंशिएशन कास, अब इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये हो जाएगा पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री। मतलब कैसे चैन रूल लगाए हम यहाँ पर, साइन के सामने जो था वो एक्स था तो साइन एक्स का हो गया ये कास एक्स और इसका हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करने से क्या हो जाएगा, दैट इक्वल ये हो गया कास पाई एक्स अपॉन 180 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1 होगा तो बच जाएगा यहाँ पर पाई बाई 180 डिग्री, जिसको हम सामने में लिख देंगे तो पाई अपॉन 180 इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 180, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो जितने भी डिग्री वाले क्वेश्चन हैं साइन के साथ इस तरह से डिफ्रेंशिएट होंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, यदि इसकी प्रैक्टिस ना हो इसको हम ना पढ़े रहें तो अचानक हमको परेशानी हो जाता है कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें, है कुछ नहीं लेकिन समझना है उसको। क्लियर? देख लीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका भी। तो ये मैंने आपको कुछ चैन रूल के अच्छे क्वेश्चन बताए, देखिए बाकी चैन रूल में कमांड एक तो आप अपने टेक्स्ट बुक से उसका प्रैक्टिस करिए और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जब आगे मैं डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ाऊंगा, जब आगे हम सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, उत्तरोत्तर अवकलन जिसमें बार बार अवकलन करना पड़ता है, वहाँ पर चैन रूल की आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन अब आज के क्लास में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन,
जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में एक्स के जगह में कोई त्रिकोणमिति फलन को प्रतिस्थापित करना है। तो आज मैं इसके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको आप समझिए। और यह है बहुत इम्पॉर्टेंट, एक स्पेशल पैटर्न है जिसको हम कहेंगे त्रिकोणमितीय त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन, ये हमारा मेथड है त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन, और अपन इंग्लिश में इसको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन मतलब त्रिकोणमिति को हम प्रतिस्थापित करेंगे। ये टॉपिक आपको समझाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन का एक चार्ट प्रोवाइड कराया था। कहाँ कराया था? प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ाते समय, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड कराया था, वो आप सबके पास होगा। जितने स्टूडेंट्स मेरे न्यू स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे, उनको मेरा सजेशन है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति के मेरे जो वीडियो हैं उसमें आपको एक वीडियो पर त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन का चार्ट मिलेगा, वहाँ से आप उसको पढ़िए। ऐसे भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करना जरूरी है इसके लिए, प्रतिस्थापन के लिए। तो त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन का हमको जरूरत पड़ता क्यों है? क्या हम बिना प्रतिस्थापित किए अवकलन नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, बिना त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन के भी अवकलन कर सकते हैं, लेकिन उससे होता क्या है, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है और उसको हमको बनाना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी वो बनता ही नहीं है। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी एक क्वेश्चन को दो तरीके से आपको बना के पढ़ा रहा हूँ, एक तो त्रिकोणमिति प्रतिस्थापित करके और एक बिना किए, ताकि आपको तुलनात्मक रूप से कंपेरेटिवली आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और इस क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको बता दूँ कि प्रतिस्थापन हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से बताता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है एक क्वेश्चन। अब इसको मैं सबसे पहले आपको बिना प्रतिस्थापन के डायरेक्ट मेथड फर्स्ट मैं लिख दूँ यहाँ पर, मेथड फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड मतलब इसमें मैं प्रतिस्थापित नहीं कर रहा हूँ, सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ किसे, चैन रूल से जो हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूँ साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख दूँ, वैसे फार्मूला मुझे नहीं बताना चाहिए, फार्मूला आपको रटना है, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं और उस फार्मूला को यूज़ करके हम इसको बनाते हैं। देखिए, तो ये है वाई का वैल्यू, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का सापेक्ष इसका अवकलन कर दें, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स एक्स का हमारे पास फार्मूला होता है, साइन इनवर्स एक्स का ये होता है, तो यहाँ चैन रूल अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड मतलब मैं किससे बता रहा हूँ समझ लो, चैन रूल से बता रहा हूँ, ये मैं चैन रूल अप्लाई करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमको क्या है, इसको एक्स सपोज करना पड़ेगा, ये हम एक्स सपोज कर लेंगे, जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है और उसको एक्स मान के भी हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा दैट इक्वल वन अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x पूरा हमारा ये है तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। किंतु हमने इसको क्या माना x, तो उसका चैन रूल से दोबारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट बनाना, चैन रूल से बनाना
क्योंकि देखो चैन रूल कहीं कहीं पर चैन रूल अच्छा है, लेकिन जहां ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वहां सब्स्टिट्यूशन अच्छा है। तो कैलकुलस में कमांड का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैटर है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कहां पर क्या करना है। हर कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई नहीं होता। अब इसको हम सॉल्व करें, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं एलसीएम ले रहा हूँ और स्क्वायर है तो रूट से बाहर निकलेगा और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हर में ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर लिख दिया मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से हट गया वो, और अपन रूट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप ध्यान देना रूट के अंदर क्या आएगा, ये इसका एलसीएम है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तय हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस के बाद ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये हो गया 2x होल स्क्वायर, और इनटू ये जो d बाई dx आप 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये डिवीजन वाले फार्मूला से होगा u अपॉन v से, जो भी अप्लाई किए हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा इसका होल स्क्वायर माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया इसको कहाँ से, u अपॉन v से, दैट इक्वल ये हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसके साथ कट जाएगा एक, यहाँ पर बचेगा ऊपर का डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 हो जाएगा माइनस 2x, और वहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और अपान में ये बचा हुआ है रूट के अंदर, तो रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा, देखो इसका मैं होल स्क्वायर करता हूँ, इसको एक्सपांड करता हूँ तो आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, क्लियर, और इनटू यहाँ से ये बचा हुआ है 1 अपॉन, ये एक पावर इसके साथ कैंसिल हो गया है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। यहाँ तक देखो कितना लेंदी इसमें पोर्शन आते जा रहे हैं, कितना लेंदी पोर्शन आ रहा है, अभी और आगे सॉल्व करो इसको, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ हो गया 2, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ 2x स्क्वायर माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर, और अपन यहाँ पर ध्यान देना ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 और माइनस, एक मिनट यहाँ पर ये प्लस है ना, इसके एक्सपांड में प्लस है तो प्लस आएगा, तो इसके साथ में ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इक्वल यहाँ पर इसके साथ में माइनस होगा तो 2 माइनस 2x स्क्वायर, और अपॉन यहाँ पर ध्यान देना ये 1 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 2x स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, मतलब वास्तव में क्या है ये 1 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 माइनस 2x स्क्वायर ये लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्टेप ध्यान देना ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो वास्तव में क्या हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ a इतना है और b कितना है एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा और रूट होने के कारण वो क्या होगा वहाँ से हट जाएगा, और इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आगे आप देखो यहाँ से यदि मैं 2 को कॉमन करूँ, ये 2 कॉमन कर लिया यहाँ से तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसके साथ में कट जाएगा और यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आंसर एक बार टेली कर लूँ मैं, कौन सा क्वेश्चन था, 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक,
ये मैं आपको समझाया केवल बताने के लिए, ये बकवास लेंदी मेथड है, हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। लेकिन मेरा बताने का मकसद क्या है, मेरा बताने का मकसद यह है कि कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर जब क्वेश्चन चैन रूल से बन रहा है तो क्यों ना हम इसी से बनाएं। तो मैं एक क्वेश्चन बना के आपको बता रहा हूं कि कैसे मेथड चेंज होने पर, इसीलिए मैथमेटिक्स में इतने मेथड डेवलप किए। भाई नए नए मेथड क्यों आते हैं, काम को आसान करने के लिए, सिंपल करने के लिए। यदि कोई क्वेश्चन बहुत लेंदी मेथड से बन रहा हो तो उसमें मैथमेटिशियन, उसमें टीचर्स मेहनत करते हैं और कहते हैं इस तरीके से इसको अच्छे से बनाया जा सकता है, ईजी बनाया जा सकता है। इसलिए मैं दो मेथड, तो मैं तो सीधा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से बताता। तो यहाँ पर आपको देखो क्या कॉम्प्लिकेशन था, मुझे खुद बहुत बकवास लगता है। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात और बड़े बड़े स्टेप में ये क्वेश्चन बना, ये आंसर आया 2/1+x2, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बना रहे हैं जो हम सीखने वाले हैं, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन। तो चलिए अब हम उस मेथड से इसको देखते हैं। ये मेथड से आपको नहीं करना है, ये तो मैं केवल आपको तुलनात्मक पढ़ाने के लिए समझाया, क्या कि मैं चाहता हूँ स्टूडेंट के दिमाग में, देखो क्या होता है किसी भी चीज़ को जब अपन एनालिटिकल पढ़ते हैं, एनालिटिकल मतलब थोड़ा विश्लेषण करके पढ़ते हैं, तुलना करके पढ़ते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठता है, क्योंकि वहाँ पर हम समझते हैं कि क्या करना बेहतर है और क्यों किया गया। कभी भी मैथ्स को, फिजिक्स को या पूरे साइंस को इस तरह से कंपेरेटिवली पढ़ना चाहिए कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ऐसा कर सकते थे क्या, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप सीधा बनाते जाओगे, आप हिस्ट्री की तरह पढ़ते जाओगे तो मैथमेटिक्स में कमांड नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अब मेथड नंबर टू अपन देखते हैं, और ये मेथड नंबर टू क्या है जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ मैं, अब हम त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन से इसको कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन में हम कहाँ से जाने कि एक्स जगह में क्या रखा जाए, तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया कि आप उसके लिए मेरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो को कंसल्ट करिए, वहाँ पर मैंने बहुत सिस्टमेटिक चार्ट दिया है, और ध्यान रखना आगे वो इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। तो उस चार्ट को जो देखा है, पढ़ा होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि इस फंक्शन को देखते ही हमको समझ में आ जाएगा कि हमको एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखना चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पर लिखा है कि ऐसा फंक्शन हो तो एक्स टेन थीटा पुट करते हैं, वो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ पुट, क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे, क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टेन थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखेंगे हम इस क्वेश्चन में। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो, देयर फॉर वाई इक्वल टू साइन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन 1+tan²θ, ये हो गया। दैट इम्प्लाइज, आगे इसको सॉल्व करो तो y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, और 2 tan θ / 1 tan θ किसका फार्मूला होता है, ये साइन 2θ का फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा त्रिकोणमिति का। ट्रिग्नोमेट्री के दम पर ही कैलकुलस समझा जाता है, ये मैं कई बार बता चुका, तो आप 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला रट लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो ये साइन 2θ का फार्मूला है, देयरफॉर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये साइन साइन इनवर्स के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो गया 2θ, देयर दैट इम्प्लाइज y इक्वल टू 2 × अब यहाँ पर देखो थीटा, तो x इक्वल टू हमने 10θ सपोज किया है, इसलिए 10 को इधर ले जाएं तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 inverse x, ये हो जाएगा। तो 2 और वहाँ पर थीटा का मान को हम भर दें तो थीटा का मान हो जाएगा क्या, 10 inverse x, ये हमने थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया। अब देखो यहाँ पर हम शुरू से इसमें अवकलन नहीं करते, सबसे पहले प्रतिस्थापन करके उसको हम फंक्शन को आसान बनाते हैं, और जब वो आसान रूप में, सरल रूप में आ जाता है तब हम उसको डिफ्रेंशिएट कर, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, नाउ डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा dy/dx = d/dx(2 tan inverse x) दैट इक्वल टू कॉन्स्टेंट है बाहर आएगा, और आपको, या शुरू से बाहर लिख सकते हैं अपन इसको, और आपको टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला पता है 1/1+x²। देखो जो क्वेश्चन अभी इतना परेशान किया वो बिल्कुल जादू जैसे बन गया चार लाइन में, और वो छोटे छोटे स्टेप, मतलब आप समझ गए होंगे मैं एक क्वेश्चन को दोनों तरीके से सिर्फ इसलिए बताया कि स्टूडेंट के दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन कितना इम्पॉर्टेंट है, वह क्वेश्चन के लेंथ को,
वह जो क्वेश्चन बहुत बड़ा बनने वाला रहता है उसको क्या कर देता है, बहुत छोटा कर देता है। कई जगहों में तो आप बिना प्रतिस्थापन के क्वेश्चन को बना ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा फंक्शन रहता है। इतने चैन रूल लगाते लाते क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा कि आप उलझ जाओगे, बना नहीं पाओगे। और वहीं पर यदि हम कोई सिस्टमेटिक सही त्रिकोणमिति फलन को प्रतिस्थापित कर दें तो बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर आपको मेथड क्लियर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस करा दूँ, उस क्वेश्चन से क्या होगा आपको बराबर प्रैक्टिस हो जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद यहाँ से क्लियर हो जाएगा, फिर आप अपने टेस्ट बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, अच्छा कमांड हो जाएगा। मेन मैटर है प्रैक्टिस। मेरे पढ़ाने के बाद मैथमेटिक्स का फार्मूला ऐसा है कि टीचर 2 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन बनाना चाहिए उससे रिलेटेड, तो कहीं जाके आपका कमांड होगा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन अपन लेते हैं यहाँ पर। y इक्वल cot इनवर्स, y इक्वल cot इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस वन एक्स रूट से बाहर है, और अपॉन एक्स। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसको हमको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से बनाना है। तो यहाँ पर एक खास बात आप देखो कि ये आप जैसे वाच करोगे तो इसको आपको देखते ही पता चल जाएगा कि मेरे को x इक्वल टू क्या रखना चाहिए, टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा जो sec स्क्वायर थीटा। फंक्शन का चार्ट मेरा कंसल्ट करो, माइक्रो सेकंड में आपके दिमाग में आएगा कि x जगह मुझे क्या पुट करना है। मैंने बहुत मेहनत करके चार्ट बनाए हैं, बार बार बता रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में आपको मिलेगा वो। तो यहाँ पर अपन पुट करते हैं क्या, नाउ पुट x इक्वल टू टेन थीटा। तो x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y इक्वल cot इनवर्स और अंदर हो जाएगा ये रूट ऑफ 1 प्लस टेन थीटा और प्लस 1 अपान, ये है टेन थीटा। मतलब जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में ये स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा ना, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया, टेन थीटा पुट कर दिया। बस अब ट्रिग्नोमेट्री इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा cot इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा होता है, रूट से बाहर होगा, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 और अपान ये हो गया टेन थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, साइन कास में चेंज कर देते हैं, तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा cot इनवर्स, इसको कास में चेंज करो तो 1 अपान cos थीटा प्लस 1 और अपान ये हो जाएगा sin थीटा अपान cos थीटा, इस तरह से। That implies y equal cot inverse, अब ये cos theta LCM cancel out हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 plus cos theta और नीचे हो जाएगा sin theta। फिर यहाँ पर त्रिकोणमिति का फार्मूला लगाएंगे, y equal to cot inverse 1 plus cos theta को हम लिख सकते हैं 2 cos square theta by 2। ये सब सूत्र याद रहना चाहिए तभी काम चलेगा, नहीं तो आप रटो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। साइन थीटा को लिख सकते हैं अपन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। क्लियर? दैट इम्प्लाइज y इक्वल cot इनवर्स, अब यहाँ पर देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 के साथ कट जाएगा, एक कास ये कास के साथ कट जाएगा, तो कास थीटा बाई 2 अपन साइन थीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा ये cot थीटा बाई 2। वो तो क्वेश्चन को सेट ही ऐसा किया जाता है कि यहाँ cot है तो यहाँ पर cot बनेगा, क्वेश्चन बहुत सिस्टमेटिक सेटिंग पर होता है। therefore अब ये हो गया y इक्वल टू थीटा अपॉन 2। अब y इक्वल टू थीटा अपॉन 2 होने के बाद अब हम थीटा के मान को भर देंगे, तो यहाँ पर देखो हमने x इक्वल टू टेन थीटा माना है तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x। इस मान को अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, That implies y equal to 1 upon 2 को अलग लिख लो और थीटा को लिख लो क्या tan inverse x। इसके बाद अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, इसके बाद अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा, नाउ डिफ्रेंशिएट
तो ये हो गया dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, आप 1/2 को बाहर ही लिख दो, 1/2 डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, दैट इक्वल 1/2 टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरा फार्मूला का रोल है, फार्मूला तो बिल्कुल रटक बना चाहिए। ये हो गया आपका इसका डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनेगा। एक आध क्वेश्चन मैं आपको और करा दूँ, उसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस दो बात वाच करना है कि हम एक्स के जगह में क्या रखें, जो मेरे चार्ट से आपको पता चलेगा, और इसको रखने के बाद वह त्रिकोणमिति का कौन सा सूत्र बनेगा। जैसे आपको पता है 1 + tan² θ से कि sec थीटा होता है, नहीं पता है तो कहाँ बनेगा वो। आपको नहीं पता है कि 1 + cos θ को हम 2 cos²θ/2 लिख सकते हैं, sin थीटा को तो कहाँ बनेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन में टोटल ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा। आप 11th क्लास के भी फार्मूला एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करा दूं आपको जिससे कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए, फिर प्रैक्टिस तो आपके हाथ की बात है, प्रैक्टिस करोगे तो कमांड होगा। जिन लोग इतने वीडियो के जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उसी को बस देखोगे तो इतना ही जानोगे, बस सब अपने ऊपर है ना। चलिए यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन है, y इक्वल साइन इनवर्स अलग अलग सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, 2x√1 − x² क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे x = sin θ रखना चाहिए। वैसे cos θ से भी बनेगा क्योंकि यहाँ पर दोनों एक जैसे काम करते हैं। तो हम यहाँ पर sin θ रखते हैं, यहाँ sin से पता चल जाता है। Now put x = sin θ, therefore हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y = sin inverse 2 sin θ √1 − sin²θ। ये होगा, that implies y = sin inverse, ये हो जाएगा 2 sin θ √1 − sin²θ, cos²θ होगा, रूट से हटेगा तो cos θ हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको बता रहा हूँ फंक्शन सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। Therefore y = sin inverse 2 sin θ cos θ का है फार्मूला है, sin 2θ का फार्मूला है। देखो बगल में sin आ गया, sin हट जाएगा तो क्वेश्चन हो जाएगा y = 2θ, दैट इम्प्लाइज y = 2 × यहाँ से देखो कि x = sin θ है, तो therefore θ = हो जाएगा sin inverse x, ये हो जाएगा। तो वहाँ पर हम थीटा का वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे sin inverse x, ये हो गया sin inverse x। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो नाउ डिफ्रेंशिएट, ये हो जाएगा dy/dx = 2, कांस्टेंट है dy/dx ऑफ sin inverse x, दैट इक्वल टू 2, और sin inverse x का डिफ्रेंशिएशन 1/√1 − x², ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से बहुत आसान लग रहा होगा अब आपको, बस सब्स्टिट्यूशन के फटाफट बन जाता है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है इसके। चलिए मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो रेयर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस टाइप के होते हैं, जिसमें कुछ ज़्यादा अपने को सोचना पड़ता है, ऐसा अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, और उस क्वेश्चन से हमको पता चलेगा कि किस तरह से डबल फंक्शन हो हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y = यहां पर देखो sin inverse x√1 − x, लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, x√1 − x - √x √1 − x² क्लियर। अब यहां पर देखो ये जो फंक्शन है, यहां पर हम सपोज करेंगे x = sin है, यहां पर दो फंक्शन है
ठीक है। तो यहां पर आप सपोज करोगे, मैं समझाता हूं आपको, x इक्वल टू साइन ए और रूट एक्स इक्वल टू साइन बी, ऐसा हमको क्यों करना पड़ा? ध्यान देना, यहां पर ये जो है x, इसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो ए रूट एक्स यहां पुट होगा, रूट एक्स यहां पर पुट होगा। ये एक्चुअल में रेयर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा हाईलाइट करके रखो, ये क्वेश्चन रेयर क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में यदि आपको ढंग से पता ना हो कि हम क्या रखें, तो आप कभी इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। दो बार इसको पुट करना पड़ेगा, देखिए इसके बाद पुट करने पर आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों रखा गया है। ये सब मैं अपने चार्ट में लिखवा दिया हूँ, आप चार्ट कंसल्ट करना कि कहाँ क्या रखना है। तो x इक्वल टू क्या है अपने पास, साइन ए, तो ये मैंने रख दिया साइन ए इंटू रूट ऑफ, ध्यान रखना यहाँ पर ये है वन माइनस, इसको रूट एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो रूट एक्स इक्वल टू साइन बी है, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी, क्योंकि रूट के अंदर है तो हमको इस तरह से मानना पड़ा है, रूट के अंदर को स्क्वायर के फॉर्म में, ताकि रूट से वो बाहर निकल जाए। तो रूट एक्स इक्वल टू साइन बी है, तो इसका स्क्वायर करूं तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। तो यहां पर आप पुट करोगे साइन स्क्वायर बी, इसीलिए मैं बोला ये रेयर क्वेश्चन है, क्लियर। अब ये जो रूट एक्स है उसके जगह रखोगे आप क्या, साइन बी और इंटू रूट ऑफ वन माइनस, यहां पर देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास, साइन ए है, तो यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इस तरह से अपने को रखना है मान, दैट इक्वल, दैट इंप्लाइज वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको हम लिख सकते हैं साइन ए इंटू, ये देखो वन माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या हो जाएगा कास स्क्वायर बी, और वो बाहर आएगा क्या हो जाएगा कास बी, ये हो गया कास बी, और माइनस ये साइन बी, और इंटू ये हो जाएगा क्या कास ए, ऐसा हो जाएगा। दैट इंप्लाइज वाई इक्वल साइन इनवर्स, किसका फार्मूला है, साइन ए कास बी माइनस साइन बी कास ए, ये है साइन ए माइनस बी का फार्मूला, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है। देखो यहाँ पर साइन साइन आया, यदि सब्स्टिट्यूशन गलत होगा तो यहाँ पर सेम फंक्शन नहीं आएगा और वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू साइन साइन हटेगा ए माइनस बी, दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू, अब ए और बी का वैल्यू आप फाइंड करो यहाँ से, तो देयरफॉर यहाँ से ए इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स यहाँ से, और बी इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, ये हो जाएंगे, ये दोनों मान वहाँ पर पुट कर देते हैं अपन। तो ए इक्वल साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स। अब इसको करो डिफ्रेंशिएट, नाउ डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन होगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स, क्लियर। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज dy वाई बाई डी एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर चैन रूल से होगा, चैन रूल से कैसे होगा, इसको हमको x सपोज करना पड़ेगा, x सपोज करेंगे तब होगा क्योंकि साइन रूट एक्स है, तो हो जाएगा वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स है इसके स्क्वायर मतलब x, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ इसका अलग अवकलन होगा तो रूट एक्स होगा, दैट इक्वल वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है वन अपॉन टू रूट एक्स। ये सब तो आपको पता होना चाहिए, कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सब पहले मैं बहुत अच्छे से बता चुका। कंटिन्यूअस आप प्रैक्टिस कीजिए कैलकुलस में, एक बात आप ध्यान में रखना कि एक भी चैन आपका टूटा, मतलब एक भी पार्ट आप मेरा देखना मिस किए, या एक भी पार्ट पर आपने ढंग से मेहनत नहीं किया, तो पूरा कैलकुलस समझने का आपका फ्लो खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि मेरे कैलकुलस के फर्स्ट वीडियो से, फंडामेंटल से, बल्कि कंटिन्यूटी से, सातत्य अवकलनीयता, मतलब जहाँ से मैंने कैलकुलस स्टार्ट किया है, आप स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखिए। तो मेरा चैलेंज है कि आप मेरे साथ मेरे फुट स्टेप पर चलोगे, मेरे साथ वर्क करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कैलकुलस में आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड हो जाएगा। कैलकुलस पर मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में कैलकुलस और फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स,
मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैं उसमें डूब जाता हूँ जब उसको पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे इतना लॉन्ग एक्सपीरियंस है, जितने स्टूडेंट्स मेरे पास कैलकुलस पढ़ के गए हैं वो जब बाहर जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए तो उनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड होता है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का जो बड़ा पोर्शन है वो कैलकुलस है। 60-70% पोर्शन में हम सिर्फ कैलकुलस ही करते रहते हैं और फिजिक्स में ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप तो देखते हैं। तो इस तरह से आप चैन रूल में कमांड करिए और आपका अच्छा कमांड हो जाएगा। तो आज का क्लास मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ और होप करता हूँ कि आप लोग और बहुत से क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बार बार एक बात मैं आपको, दो चीज़ें आप याद रखिए कि फार्मूला सबसे पहले आप लर्न कर लो, फार्मूला आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, बल्कि फार्मूला के एक प्रॉपर लिस्ट बना लो, एक उसके लिए कॉपी बना लो जहाँ पर सिर्फ फार्मूला हो उसका। तो पहला काम फार्मूला, दूसरा जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ उसको अच्छे से समझो, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स टीचर बेस्ड नहीं, मैथमेटिक्स स्टूडेंट बेस्ड सब्जेक्ट है। एक बार फिजिक्स को आप कह सकते हो कि टीचर बेस्ड है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको खुद से करना पड़ेगा यदि अच्छा कमांड करना है। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं इसके प्रथम सिद्धांत का जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।